ज्ञान सिंह लक्ष्मी के पास जाता है, उसके पीठ पर हाथ फेरता है और लक्ष्मी को बड़ा अच्छा लगता है। लक्ष्मी को जब वो देखता है उसको बहुत दर्द होता है। वो अपने लड़के पर गुस्सा करता है, उसके पत्नी को पता चलता है और सारे परिवार में लक्ष्मी की बात हो जाती है। हर परिवार में, हर घर में बहुत से लोग जो होते हैं, अलग अलग पालतू प्राणी रहते हैं उनके पास। कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है। यदि हम सभी का विचार करें तो जब भी कभी प्राणियों की बात होती है तो हमें बताया जाता है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमेशा प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जब दुधारू है, यानी जब वो दूध देती है, तब तक हमने उसको संभालना है, और जब उसका काम नहीं होता है या फिर जब वो अधेड़ हो जाती है, अधेड़ का अर्थ होता है जिसकी आधी उम्र बीत गई हो। ऐसे अधेड़ उम्र की स्थिति में लक्ष्मी जो है वो दूध नहीं देती है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि इसको हम कहीं जाकर छोड़ दें। कहानी का यही एक सारांश है कि हमेशा हर प्राणी के प्रति दया। कहानी का मकसद ही यही बताया है, गुरुबचन सिंह जी ने बताया है कि हमेशा हर पालतू प्राणी या पालतू जानवर है, जब कोई भी है, हमेशा उसके प्रति दया भाव रखना। तो प्यारे छात्रों, मैंने आपको सिर्फ इस पाठ का एक सारांश बताया है। पाठ के जो प्रमुख पात्र है उनके बारे में बताया है, लक्ष्मी कौन है लक्ष्मी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अब इस पाठ का जो सारांश के बाद जो पंक्तियां हैं, उस पंक्तियों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और उस पंक्तियों पर मैंने एक कृति पत्रिका, एक एक्टिविटी भी आपके सामने रखी है, जो एक्टिविटी को आपको छोड़ा रहा है। पहले पैसेज को पढ़ो, पूरे पाठ को पढ़ो, पाठ को पढ़ने के बाद जो एक्टिविटी मैंने आपके सामने रखी है उसको पढ़ो, और उसके ऊपर जो प्रश्न दिए हैं, जो कृति पत्रिका है, उसको आपको छुड़ाना है। और यदि आपको कोई शंका है, आशंका है, तो आप अपने ऑनलाइन प्रश्न पूछ सकते हो। थैंक यू।